देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। भारी बारिश के कारण बंद हुए कोटद्वार दुगड्डा मार्ग से जेसीबी लगाकर हटाया गया मलबा, अवरुद्ध मार्ग को खोला गया। डीएम पौड़ी आशीष चौहान के आदेश पर रात में सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह प्रतिबंधित है कोटद्वार दुगड्डा मार्ग। पौड़ी कोटद्वार श्रीनगर और एंसडाउन कोर्ट में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। कोर्ट में 310 मुकदमों में से 304 का हुआ निस्तारण। 1,80,00,000 रुपए की हुई वसूली। प्री लिटिगेशन के 18 केसों में 30,00,000 की वसूली। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत पहुंचे कोटद्वार। कांग्रेस नगर मंडल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोटद्वार में एक भी विकास कार्य न होना सरकार की बड़ी नाकामी बताया। लॉयंस क्लब कोटद्वार के अधिष्ठापन समारोह में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। क्लब द्वारा एक साल में किए गए सभी सामाजिक कार्यों की जानकारी दी गई। हिंदी दिवस के अवसर पर विशेष प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। कोटद्वार में रेडियो गढ़वाणी के एडिटर मनीष भट्ट की अनोखी पहल। दिव्यांग बच्चों के संग मनाया जन्मदिन। लंच कराने के साथ ही गिफ्ट भी बांटे। भारतीय देवी एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों को दी जा रही शिक्षा।